हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहन को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिखाया। हालेलुया, हम आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन में एक नया दिन दिखाया है, आशीष प्रदान किया है, उठने की शक्ति दिया है। बहुत लोग आज दिन को नहीं देख पाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें शक्ति दिया है उठने के। हालेलुया, और हमें सुंदर सा समय दिया है कि हम खुदा के चरणों में उपस्थित में बैठ सकें और खुदा का प्रेम को वर्णन कर सकें। हालेलुया, मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा परमेश्वर कितना महान है जो हर एक दिन नया सामर्थ्य, नया बल और नया रास्ता दिखाता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर चाहता है हमेशा मगन रहे, आनंदित रहे। कौन ऐसा पिता होगा जो हमारा दुख तकलीफ पर हमें यूं ही छोड़ देगा। हमारा परमेश्वर तो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया है, वो कैसे छोड़ सकता है हम लोगों को। हालेलुया, तो परमेश्वर हमारा महान है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं हमारा संसार में कि परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानता। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना और निवेदन हम किससे करना चाहिए आज सच्चे परमेश्वर को कुछ भाई बहन नहीं जानते हैं। इस वजह से हालेलुया कुछ भाई बहन को अपने दुखों में, समस्या में, बोझ में दबे हैं और उससे नहीं निकल पा रहे हैं। और जब समस्या संकट आता है तो जब कुछ पैसे की जरूरत पड़ता है मेरे मसीह भाई बहनों, तो सोचता है बहुत लोग कि हम भाई के पास जाते हैं और कुछ हमें जो ज़रूरत है, मुझे आशा है कि भाई मुझे मदद करेगा। लेकिन आज संसार में लोग जाता है अपने भाई के पास, हाथ फैलाता है, लेकिन वहाँ से निराश होकर लौट जाता है। कारण क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता है, सहायता नहीं करता है। आज बहुत लोग हैं सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी मदद करेगा, मुझे उसे आशा है, मुझे विश्वास है कि कुछ हमें ज़रूर मदद करेगा। लेकिन जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर भी उनको क्या मिलता है? निराशा मिलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयालु है, वो सब पर दया करता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित है, वो हर जरूरतों को पूरा करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सुनने वालों को सबको परमेश्वर आज आशीष प्रदान करे और सच्चे परमेश्वर को जाने के लिए आँखों को खोले, ताकि सब लोग सच्चे परमेश्वर को जाने। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, सुनने वालों और जो आगे भी सुन रहे हैं, परमेश्वर बहुतों से आपको आशीष प्रदान करे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, प्रकाश डाले, ताकि आप उसको प्रेम को समझ सको। क्यों उस स्वर्ग से उतर कर पुरुष पर अपने आप को कुर्बानी किया है, इस बात को हमें समझना है। हालेलुया, आइए हम उसका वचन से देखेंगे। जब कोई परमेश्वर के पास जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है, क्योंकि वो दयालु है, वो किसी को निराश नहीं करता है। आइए उसका प्रेम जो है, उसका मुख से निकला हुआ उसका वचन को पढ़कर हम देखते हैं। भजन संहिता 34 का 4, 5, 6 ये 3 वचन हम पढ़ेंगे और उसका प्रेम को, उसको जो गहराई है उसको हम जानेंगे। भाई हम पढ़ते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसको दृष्टि डाली उसने ज्योति पाया और उसका मुख काला ना हो पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया, परमेश्वर देखिए कितना महान है। जब 4 को पढ़ते हैं उसमें क्या बोला, मैं यहोवा के पास गया तब उसने सुन लिया। देखिए हम किसके पास जाना है, कौन हमें समस्या को हल कर सकता है, कौन हमें सही रास्ता दिखा सकता है, कौन हमें मांगने पे हमें पूरा रीति से निर्भय कर सकता है? केवल परमेश्वर, क्योंकि वही जन्म दिया है, वही गहरा प्यार किया है, वही हर जरूरतों को पूरा करता है, वही मेरे मन में जो बात चलता है उसे जानता है, हमारे जीवन में क्या कमी है वही निर्भय करता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सुनने वालों, जरा सोचिए, परमेश्वर कहता है जिन्होंने उसको दृष्टि डाली उसने ज्योति पाया उसका मुकाला कभी नहीं हुआ। हम लोग किसको और ताक रहे हैं,
हम मनीष को नहीं ताकते हैं, हम परमेश्वर की ओर ताकना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सुनने वालों, जरा सोचिए हमें किसकी ओर ताकना है। आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, केवल परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, किसी मनुष्य पे नहीं, ना हमें कहने पर। जरा अपने आप को सच्चे परमेश्वर के सामने रोक के देखो, आपका एक एक बूंद का कीमत चुका देगा। लेकिन लोगों के पास जाओगे तो आप हंसी ठट्ठे में उड़ा लेगा और मन मन सोचेगा इसे ठीक है। लेकिन हमारा परमेश्वर, उसके सामने जाकर जरा रोक के देखो, वो सच्चा प्यार प्रेमी कर प्रेमी पिता है, वो सच्चा प्रेम हम लोगों को से वही करता है, वही मेरे जीवन का साथी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको परमेश्वर बहुत से आशीष करे। और हम आइए हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने दुख में हैं, समस्या में हैं और आशा लगाते हैं वो मुझे मदद करेगा, लेकिन निराशा में लौट जाते हैं। उन लोगों को प्रार्थना करें जो सच्चे परमेश्वर को प्रेम को नहीं जानता। आज हम उन लोगों को प्रार्थना करेंगे जो जान को भी अनजान हो गया है। तो हम तीन विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो अनजान बन गया है, जो नहीं जानता है और जो दूसरे पर उम्मीद करता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। तू तो सच्चा और जीवित है परमेश्वर पिता, सबों को मनों को जांचने वाला, परखने वाला, तोलने वाला स्वयं आप है परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम को नहीं जानते हैं, आप सब कुछ उसको आनंद से भरना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में हालेलुया हालेलुया रखना चाहते हैं, लेकिन खुदा आपको प्रेम को नहीं जानते हैं। प्रभु आप उस पर हालेलुया प्रकाश डालें, आप रास्ता दिखाएं, आप बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि आपके मार्ग पर चलने वाला हो जाए, उसके बीच में अपने दास दासी को इस्तेमाल करें। और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब वीडियो देखे कोई भी, प्रभु आपका वचन का हो, आपकी दास दासी का हो, उसी टाइम में स्वयं उनसे बातें करें, आंखें खोलें, हालेलुया हृदय को परिवर्तन करें, प्रभु कानों को खोलें कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। ऐसे बातें जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन में आशीषकारी करें परमेश्वर पिता, और उसे मदद करें परमेश्वर पिता सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया दूसरों पर आशा लगाते हैं और निराशा होकर लौट जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया तूने कहा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। परमेश्वर पिता हालेलुया एक सच्चे परमेश्वर से मांगने के लिए, उसको चरणों में आने के लिए उन्हें आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह, उन्हें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि खुदा आपके चरणों में आपकी ओर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको हर जरूरतों को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह दूसरों पर आशा लगाते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह आप आशीष कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप नियंत्रण उसमें रखिए प्रभु, और उनको नियंत्रण में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया चलने के लिए मदद और सहायता करें, उनको प्रभु यीशु मसीह जीवन में प्रकाश डालें, ज्योति डालें परमेश्वर पिता, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, मांगने के लिए हालेलुया इस्तेमाल होने के लिए हालेलुया मदद और सहायता करें प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया जो फल खा के प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम जान को हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में महामारी में, संकट में, समस्या में, अपने दुखों में, अपने परिवार के हालेलुया किसी रीति से परेशानी में, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रेम ठंडा पड़ गया है, उसमें फिर से आप अभिषेक कीजिए, उनको जीवन में शांति तसल्ली दीजिए, उनको हर जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें हर जो भी घटी कमी घटी है आप जानने वाले हैं परमेश्वर, आप आशीष प्रदान करें परमेश्वर पिता। हमारा यही निवेदन विनती है परमेश्वर पिता कि कोई भी भाई बहन को निराशा ना होने दे परमेश्वर पिता, उन सबको जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारा आपसे प्रार्थना विनती है। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रार्थना सुना, आप सारे विषय के बाद फिर से सोचते हुए जो सुना है प्रभु यीशु मसीह उनको भी आशीष प्रदान करें, और जो आगे भी सुनेंगे उन्हें भी आशीष प्रदान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ आपने हाँ उत्तर दिया, आप बड़े में घटूं यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर खुदा, आमीन आमीन आमीन।